पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पिछड़ने के बाद जोरदार अंदाज में वापसी की और हर किसी को चौंका दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद शान मसूद की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम ने अगले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा किया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद अपने घर पर कोई सीरीज जीतने में सफलता हासिल की है। इस जीत के बाद जहां हर कोई शान मसूद की तारीफ कर रहा है, तो वहीं पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने तंज कसते हुए उनका मजाक उड़ा दिया। इस पर मचे बवाल के बाद अब रमीज राजा ने एक सफाई पेश की है, लेकिन सफाई भी ऐसी जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाए। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बने शान मसूद के नेतृत्व में पाकिस्तान को लगातार 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच हारने के बाद फाइनली पाकिस्तान टीम ने मुल्तान और फिर रावलपिंडी में अगले 2 मैच जीते और सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज जीतने के बाद ब्रॉडकास्ट के एक शो में शान मसूद चर्चा के लिए मौजूद थे और वहीं पर रमीज राजा ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। टीम की जीत को लेकर बात करने की बजाय रमीज राजा ने ताना मारते हुए शान मसूद से पूछ लिया कि भाई लगातार 6 टेस्ट मैच हारने की उपलब्धि उन्होंने कैसे हासिल की। रमीज राजा का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान फैंस या मीडिया ही नहीं बल्कि भारत समेत अन्य देश के क्रिकेट प्रेमियों ने भी रमीज राजा को जमकर लताड़ लगाई है। इस विवाद के 2 दिन बाद रमीज राजा ने अपनी एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की है। इस वीडियो में रमीज राजा ने आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश की और कहा कि वो पाकिस्तान टीम का मजाक नहीं उड़ा रहे थे और ऐसा भी कहा कि ऐसा कभी वो करना भी नहीं चाहते हैं, बल्कि वो तो बेहद खुश थे कि पाकिस्तान की टीम को जीत नसीब हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख रमीज राजा ने अपने सवाल के बारे में भी सफाई पेश की और बताया कि वो ये पूछ रहे थे कि लगातार 6 हार के बाद टीम में इतनी उथल पुथल के बीच शान मसूद ने कैसे फोकस किया, क्योंकि टीम से अचानक बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी जैसे बड़े खिलाड़ी हटा दिए गए। रमीज ने शान मसूद को अपने बच्चे जैसा बताते हुए कहा कि उन्होंने पीसीबी का चीफ रहते हुए भी शान मसूद से काफी चर्चाएं की थी और उनकी बैटिंग की कमियों के बारे में भी पहले वो बात कर चुके थे। वहीं इस बात पर भी वो कह रहे थे कि वो गलत नहीं थे। रमीज राजा ने साथ ही खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया की हर बात का जवाब भी नहीं दे सकते और पाकिस्तान तो जिंदा ही सोशल मीडिया पर है। बहरहाल रमीज राजा के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लाइन। नमस्कार।